जो चोरी चमार से दूर रहता है, चमारी नहीं बोल सकते आप जी, जी नहीं चकारी बोल सकते हैं आप, चोरी चकारी शब्द है जी जी, चोरी चकारी तैयार कर देंगे हम, कर देंगे। शर्त रखे हैं बाबा मांझी जी जी कि जो झूठ नहीं बोले होंगे, जो मांस मदिरा का सेवन नहीं किए होंगे, वही लोग आएंगे। कैसे चेक करिएगा कि कौन ब्राह्मण? जीतन राम मांझी जी के आवास के बाहर देखिए पोस्टर लगा है, ब्राह्मण दलित एकता महाभोज, यानी कि 27 तारीख को 12:30 बजे से मांझी जी के आवास 12M स्टैंड रोड पटना में न्योता दिया गया। इसमें कहा गया कि दलित और ब्राह्मण सब लोग मिल बैठ के खाएंगे, लेकिन वैसे ब्राह्मण बैठे के खाएंगे, वैसे ब्राह्मणों को न्योता दिया जा रहा है जो न मांस मछली खाए हैं, न झूठ बोले हैं जीवन में कभी, और न शराब का सेवन किए हैं। देखिए पोस्टर लगा हुआ है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से ब्राह्मण दलित एकता महाभोज का आयोजन। अब फोटो देखिए, बिहार में संतोष कुमार सुमन मंत्री हैं, मांझी जी के सुपुत्र हैं, उनकी भी तस्वीर है, और मांझी जी की तस्वीर है दानिश रिजवान, ज्योति मांझी, अनिल सिंह और देवेंद्र मांझी, प्रफुल्ल मांझी जो प्रदेश अध्यक्ष है। एक और पोस्टर यहाँ पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का है, ब्राह्मण दलित एकता महाभोज, स्थान 12M स्टैंड रोड पटना, दिनांक 27 दिसंबर 2021, समय 12:30 बजे। तो इस तरह से मांझी जी के बाहर पोस्टर लग गया है, मांझी जी के आवास के बाहर ब्राह्मण दलित भोज को लेकर के। यहाँ पर हम पार्टी के नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। रविंदर जी हैं, रविंद्र शास्त्री, ये प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के। ये पोस्टर जो लगाए हैं, क्या क्या खिलाने की व्यवस्था है जी? हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और हमारे माननीय मंत्री संतोष कुमार सुमन जी हैं, तो उन्होंने बिहार के जो दलित के मुद्दे पे जो एक मामला उभर रहा है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि भाई हम किसी भी समाज से जो है दुर्व्यवहार नहीं करते, किसी के बारे में हम गलत नहीं बोलते हैं, ना किसी के बारे में हमारे दिल में भी गलत भावना रहता है। बतिया हो गया, खिलाइएगा कैसे बोलिए? बिल्कुल खिलाए, दही चूड़ा सारा व्यवस्था है, बूरा है, तिलवा तिलकुट है, सारा व्यवस्था है, और सारे पूड़ी है और सब्जी है, सारा व्यवस्था रहेगा सर, सारा व्यवस्था रहेगा। अच्छा, आप जो शर्त रखे हैं बाबा मांझी जी जी कि जो झूठ नहीं बोले होंगे, जो मांस मदिरा का सेवन नहीं किए होंगे, वही लोग आएंगे, कैसे चेक करिएगा कि कौन ब्राह्मण? बिल्कुल सही बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही कहना था कि जो ढोंगी पखंडवाद में जो विश्वास रखते हैं, ब्राह्मण विश्वास रखते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बयान दिया है, न कि जो सही है, जो सही में माने कि क्या कहते हैं कि उसको जो मदिरा मांस का सेवन नहीं करते हैं, हाँ मैं तो वही बता रहा है ना कि जो सही में जो ब्राह्मण है, जो मदिरा मांस का ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नहीं आएंगे दो चार को मैंने मामला, इसी तरह का 99% है लोग, समझ लीजिए 99% इसी तरह के हैं, 1% में है जो कि सही इस तमाम चीजों से दूर है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो सही में है ब्राह्मण है, जिसके पास ब्रह्मांड का ज्ञान है, या माने कि जो चोरी चमार से दूर रहता है, चमारी नहीं बोल सकते आप जी, जी नहीं चकारी बोल सकते हैं आप, चकारी शब्द है जी जी, चोरी चकारी तैयार कर देंगे हम, कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मेरा मकसद है, मेरा है जो चोरी जो करता है, चाहे लूट जो करता है, हत्या करता है, मैंने किसी तरह का जो है गलत आरोप उस पर नहीं है, वो आए यहाँ, इनका मैं स्वागत करूंगा, सारा व्यवस्था है, सब लोग मैं बेशक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने हाथों से ही खाना खिलाएंगे, खिलाएंगे जी।